इस वीडियो में हम करने वाले हैं डी एवी क्लास टी चैप्टर ट्वेंटी मतलब भारतीय धर्म तो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हिंदुइज्म मतलब हिंदू धर्म इज द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड मतलब हिंदू धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है इट इज ऑल्सो नोन एज सनातन धर्म मतलब इसे सनातन धर्म भी कहा जाता है

कुछ देवी देवताओं को आज भी पूजा जाता है शिवलिंग पशुपतिनाथ मदर गॉडेस सेक्रेट साइन ऑफ स्वास्तिक एंड वर्शिप ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स हेल्प अस टू प्रूव दिस पॉइंट मतलब शिवलिंग पशुपतिनाथ देवी माँ स्वास्तिक का पवित्र चिन्ह और पेड़ पौधों की पूजा ये सब इस पॉइंट को प्रूव करते हैं कि ये हिंदुइज्म बहुत पहले से चला आ रहा है हिंदुइज्म बिलीव्स इन वन सुप्रीम गॉड हु इज प्रेजेंट इन एवरी लिविंग थिंग डेट इज़ ह्यूमेंस एनिमल्स प्लांट्स एट्सेट्रा मतलब हिंदू धर्म एक सर्वोच्च देवता में विश्वास करता है जो कि हर जीवित वस्तु में है जैसे मनुष्यों में जानवरों में पेड़ पौधों में इत्यादि इट अलाउज इट्स फॉलोअर्स टू वर्सिप द सुप्रीम गॉड इन एनी फॉर्म और इन एनी वे दे लाइक मतलब ये अपने फॉलोअर्स को ये अलाउ करता है कि वो अपने सुप्रीम गॉड को किसी भी फॉर्म में और किसी भी तरीके से जैसे वो चाहें पूज सकते हैं हिंदुजम बिलीव देर आर थ्री फर्स्ट धर्म की मान्यता है कि मोक्ष प्राप्ति के तीन रास्ते हैं पहला कर्मयोग दूसरा ज्ञान योग और तीसरा भक्ति योग मतलब सुप्रीम गॉड की भक्ति नाउ डू यू नो गणेश रिगार्डेड एज द रिमूवर ऑफ ऑल ऑब्स्टेकल्स विघ्न विनाशक एवरी रिलीजियस फंक्शन स्टार्ट वर्शिप ऑफ गणेश मतलब गणेश जी को सभी बाधाओं का निवारण करता माना जाता है और किसी भी धार्मिक कार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजा से की जाती है सृष्टि क्रिएशन इज गवर्न बाई थ्री गॉड्स नॉन एज वेदा डेट इज ब्रह्मा विष्णु एंड महेश मतलब सृष्टि तीन देवताओं द्वारा शासित किया जाता है जिसे त्रिवेदा कहते हैं और वो तीन देवता हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश ब्रह्मा इज कंसिडर्ड द क्रिएटर विष्णु द प्रिस महेश और शिव द डिस्ट्रॉयर मतलब ब्रह्मा को विधाता माना जाता है विष्णु को रक्षक माना जाता है और महेश यानी शिव को नाशक माना जाता है शिव इज ऑल्सो नोन एज ओरिजिनेटर ऑफ म्यूजिक एंड डांस ही इज कॉल्ड नटराजा मतलब शिव को संगीत और नृत्य का जनक माना जाता है इन्हें नटराजा भी कहा जाता है द अदर गॉड्स विड बाई हिंदूज आर राम कृष्णा गणेश सन ऑफ शिव एंड पार्वती हनुमान डिवोटी ऑफ राम एंड गॉडेसेस लक्ष्मी सरस्वती काली पार्वती वाइफ ऑफ शिव एंड मैनी अदर्स मतलब और भी दूसरे भगवान जो हिंदूज के जरिए पूजे जाते हैं वो हैं राम कृष्ण गणेश जो शिव और पार्वती के पुत्र हैं हनुमान जो राम के भक्त हैं और देवी लक्ष्मी सरस्वती काली पार्वती जो शिव की पत्नी हैं और भी कई और हिंदू philosophy डील्स विद द सब्जेक्ट्स as what इज गॉड what इज सोल where डज मैन गो आफ्टर डेथ एंड so ऑन मतलब हिंदू दर्शन कई विषयों से संबंधित है जैसे भगवान क्या है आत्मा क्या है और मरने के बाद मनुष्य कहाँ जाता है और भी कई सारे द उपनिषद्स आर द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ फिलोसफी विच एक्सप्लेन आत्मा परमात्मा एंड गॉड मतलब उपनिषद्स के जरिए आत्मा परमात्मा और भगवान को एक्सप्लेन किया जाता है हिंदू फिलोसफी प्रीचेस डेट सॉल इज इमोटल इट नेवर डाइज मतलब हिंदू प्रचारकों का यह कहना है कि आत्मा अमर है यह कभी नहीं मरता वेन इट लिवस बॉडी इट इंटर्स द अदर बॉडी दिस इज कॉल्ड द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ मतलब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है और इसे ही जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कहा जाता है हिंदुइज्म इम्फेसाइसिस नॉन वायलेंस अहिंसा परमो पर मतलब धर्म ब्रदरहुड लव एंड केयर फॉर ऑल लिविंग बींगस ऑफ द वर्ल्ड वर्च्यू ऑफ टॉलरेंस टुवर्ड्स ऑल फेथ्स एंड एंड हारमोनियस लिविंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप एमोंग ऑल पीपल विदाउट एनी डिस्टिंगशन मतलब हिंदू धर्म नॉन वायलेंस पे जोर देता है यानी अहिंसा पे जोर देता है भाईचारा प्यार और सभी जीवित प्राणियों की देखभाल सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता का गुण और बिना किसी भेदभाव के शांतिपूर्ण संबंध ये हिंदू धर्म का महत्व है इट बिलीव्स एंड प्रीचेस द ऑफ वासुदेव कुटुम्बकम दैट इज ऑल पीपल लिविंग ऑन दिस अर्थ आर लाइक वन फैमिली एंड वी ऑल आर द देंबर्स ऑफ दिस फैमिली एंड सर्वधर्म संभव विच मीन दैट ऑल रिलीजन्स आर इक्वल मतलब हिंदू धर्म वासुदेव कुटुम्बकम के सिद्धांत का उपदेश देता है यानी धरती पर जितने भी लोग हैं सभी एक परिवार हैं और हम सब इस परिवार के सदस्य हैं और सर्वो धर्म संभव मतलब सभी धर्म बराबर हैं स्क्रिप्चर्स मतलब हिंदू धर्म के शास्त्र अनलाइक अदर रिलीजन्स देर आर मेनी हॉली बुक्स ऑफ हिंदुज्म एग्जाम्पल द फोर वेदास द सिक्स सिस्टम ऑफ फिलोसफी दर्शन द पुरानस गीता एट्रीशर ऑफ इंडियन फिलोसफी सनहित अरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ श्रुति उपनिषद रामायण महाभारत एटसेट्रा मतलब ये सब हिंदू धर्म की कुछ पवित्र किताबें हैं नेक्स्ट रिलीजन इज जोरोस्ट्रिज्म मतलब पारसी धर्म जोरोस्ट्रिज्म रिलीजन ऑफ ईरान मतलब पारसी धर्म ईरान देश का प्राचीन धर्म है जराथस्त्र और जोरो द प्रोफेट ऑफ परसिया ईरान फाउंडेड दिस रिलीजन अराउंड 6थ सेंचुरी बीसीई मतलब ईरान देश के पारशिया के नबी जो कि जराथोस्त्र या जुरोअस्टर थे उन्होंने इस धर्म को 6थ बीसीई में फाउंड किया द फॉलोअर्स ऑफ दिस रिलीजन आर नोन एज पारसीज इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड मतलब इस धर्म के फॉलोअर्स को पारसीज कहते हैं और ये भी दुनिया का एक प्राचीन धर्म है अकॉर्डिंग टू जुरोअस्ट्रिज्म देर इज ओनली वन गॉड हु पारसी धर्म के अनुसार एक ही भगवान है जिन्हें अहूर मजद कहा जाता है गॉड ऑफ गुड फोर्स डेट इज लाइट एंडलब वो प्रकाश और ज्ञान के अच्छी ताकतों के भगवान है इविल इज रिप्रेजेंटेड बाई अहरिमन मतलब बुराई को अहरिमन कहा जाता है देर इज ऑलवेज ए टीन द टू एंड द अल्टीमेट विनर इज द गुड फोर्स मतलब अच्छी ताकतें और बुरी ताकतों के बीच हमेशा संघर्ष होता है और परम विजेता अच्छी ताकतें ही होती हैं दिस रिलीजन टीचेस टू फॉलो द राइट डीड्स राइट थिंकिंग एंड राइट स्पीच एज इन जैनिज्म एंड बुद्धिम मतलब ये अपने फॉलोअर्स को सही काम सही सोच और सही बोलना सिखाता है जैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म में हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे इफ ए परसन राइट और गुड एक्शन आर मोर देन दिल ही गोज टू दाइज टू दिल जोरोस इन फ्रंट ऑफ द फायर देर मतलब अगर कोई व्यक्ति बुरे काम से ज्यादा अच्छे काम करता है तो उसे स्वर्ग प्राप्त होता है लेकिन अगर वो अच्छे काम से ज्यादा बुरे काम करता है तो उसे नर्क प्राप्त होता है जोरो आग के सामने प्रार्थना करते हैं वो सूरज और आग को पूजते हैं नाव स्क्रिप्चर्स मतलब पारसी धर्म के शास्त्र their holy हॉली बुक इज it इट कॉन्टें sacred सेक्रेट सॉन्ग्स इन of ऑफ जोरोस्टर विच आर रिसाइटेड एवरी डे मतलब इनकी पवित्र किताब अवेस्ता है जिसमें गाथाज कंटेन है यानी पवित्र गीत मौजूद हैं जो कि हर रोज जोरोस्टर के जरिए सुनाई जाती है इस वीडियो में इतना ही आगे के रिलीजन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में